नमस्कार। आज फिर महाराष्ट्र से डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है और इस घटना के भी तार तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दरअसल औरंगाबाद के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है संभाजी गोविंद चितले, जिनकी उम्र 38 वर्ष है और औरंगाबाद शहर के अंदर ये डॉक्टर अपना खुद का एक हॉस्पिटल चलाते हैं। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साहब, जिसकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है, जो फरार चल रहा है, उसको लेकर के इन डॉक्टर साहब ने फेसबुक पर एक पोस्ट की, जिसमें मौलाना साहब की फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि इस आतंकवादी की लोकेशन आपके आसपास है या आप जानते हैं तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी जाए। यानी कि यदि ये आतंकवादी आपके आसपास कहीं है और आप इसे देख रहे हैं या आपने देखा है तो इसकी जानकारी आप अपनी स्थानीय पुलिस को दें। इस तरह की पोस्ट इन डॉक्टर साहब ने फेसबुक पर पोस्ट की और उसके तुरंत बाद औरंगाबाद की सिटी पुलिस ने इन डॉक्टर्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया, मौलाना साद को आतंकवादी कहने के खिलाफ। यानी कि मौलाना साद जो एक तरह से साद तो नहीं है, ये बोला जा सकता है कि एक तरह से संत भी नहीं है, कोई धर्मगुरु भी नहीं है, उसने तबलीगी जमात में हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके इस कोरोना वायरस जैसी महामारी को फैलाने का काम किया है और जिस तरह से तबलीगी जमात से निकले हुए लोगों को जो शिक्षा दी गई है वो अब सामने आ रही है कि किस तरह से वो डॉक्टर्स पर थूक रही हैं, किस तरह से वो लोग डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में ना ही तो वो संत है और ना ही धर्मगुरु है, वो एक जिहादी ही है। और डॉक्टर ने अपने फेसबुक पोस्ट के अंदर उसे आतंकवादी लिखा और इसके लिए उद्धव ठाकरे की पुलिस ने इस डॉक्टर पर निश्चित तौर पर मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है। मौलाना साद को आतंकवादी कहने के खिलाफ इस डॉक्टर पर जो पुलिस कार्रवाई है वो हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इनको टेरर कहने वालों पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो रहा है? इन सबको जो टेररिस्ट कहा जाता है उन पर लोगों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान को इस महामारी में धकेलने वाले मौलाना साद को आतंकवादी कहने पर जो पुलिस कार्रवाई हो रही है तो निश्चित है कि इन लोगों पर भी होनी चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टेरर कहते हुए कई बार ट्वीट किए हैं और अब ट्विटर पर हैशटैग टेररिस्ट साद है वो ट्रेंड हो रहा है, लोग ट्रेंड करवा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस डॉक्टर पर जो कार्रवाई की है वो शर्मसार ही है। ये बात सही है कि किसी को जब तक घोषित ना किया जाए तब तक आतंकवादी कहना गलत है, लेकिन फिलहाल इस महामारी के संक्रमण को रोकने में जिस तरह से हमें डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाना चाहिए, उस वक्त हम उन पर पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, इसके पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि जब तक किसी को घोषित ना किया जाए तब तक आतंकवादी कहना गलत है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि मौलाना साद ना ही तो साद है और ना ही कोई संत है और ना ही कोई धर्मगुरु है, उसने इस महामारी को फैलाने का काम किया है। जिस तरह से केंद्र सरकार सहित राज्यों की सरकारों को एक तरह से अंधेरे में धकेलने का काम इसने किया है, तबलीगी जमात में हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके इस महामारी के संक्रमण को बढ़ाने का काम इसने किया है, और इसके अलावा जो इस धर्मगुरु, अपने आप को धर्मगुरु मानने वाले इस तथाकथित मौलाना साद की जो मरीज थे वो किस तरह से डॉक्टर्स के साथ और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये आपने भलीभांति देखा है। ऐसे में मौलाना साद को आतंकवादी कहने पर पुलिस कार्रवाई हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इनको जो टेररिस्ट कहने पर किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है, इस तरह का भेदभाव क्यों? कुल मिलाकर के ट्विटर पर हैशटैग टेररिस्ट साद है वो ट्वीट कर रहा है
और लोग उद्धव ठाकरे पर थू थू भी कर रही हैं। एक ट्विटर हैंडल ने तो यहां तक लिख दिया है कि स्वर्ग में बैठे बाला साहब ठाकरे आज रो दिए होंगे कि मेरे बेटे उद्धव ठाकरे ने आज किस तरह का काम है वो कर दिया है। महाराष्ट्र की जनता सहित हिंदुस्तान की पूरी जनता के अंदर उद्धव ठाकरे की थू थू हो रही है। एक तरह से माना जाए तो उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में है, इसलिए उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। औरंगाबाद पुलिस की काफी ज्यादा बुराई है वो ट्विटर पर चल रही है। यानी कुल मिलाकर के मौलाना साहब को आतंकवादी कहने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, जबकि इस कोरोना वायरस जैसी महामारी के फैलने पर इन डॉक्टर्स की हमें जरूरत है, इनकी हौसला बढ़ाई की जरूरत है। ऐसे में उन पर पुलिस कार्रवाई करना कहां तक उचित है, ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप जैसे लोगों के ट्वीट, जिसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई लोगों को, कई बड़े नेताओं को, बीजेपी तक को टेररिस्ट कहा जाता है, उस पर भी आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इसके बारे में भी आप अपने विचार में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।